हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो ध्यान दीजिएगा, प्रूव दैट इफ अ नंबर इज ट्रेबल्ड देन इट्स क्यूब इज 27 टाइम्स द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। तो यहां पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिएगा ध्यान से। कह रहा है कि यदि एक नंबर को हम ट्रेबल कर दें, तीन गुना कर दें, ट्रेबल मीन्स तीन गुना कर देना, थ्री टाइम्स कर देना, तब क्या होगा कि तीन गुना करने के बाद जब उसका क्यूब करेंगे, ठीक है, क्यूब करेंगे तो वह जो भी आएगा वह 27 टाइम्स मीन 27 गुना आएगा जो हम ओरिजिनल नंबर लिए थे उसके क्यूब का, ठीक है। और इसी को प्रूव करना है, तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं एक बार एक एग्जांपल से, उसके बाद से हम इसको, ठीक है, एलाबोरेटली जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे हम ले लेते हैं कोई नंबर टू, एक नंबर लेना है टू ले लिया हम, इज ट्रेबल्ड, कह रहा है कि इसका ट्रेबल कर दें यदि, मतलब तीन गुना कर दें, थ्री टाइम्स टू मीन्स आ जाएगा 3 × 6, देन इट्स क्यूब इज, तो इसका क्यूब निकालेंगे, तो इसका क्यूब निकालेंगे तो आएगा 6³ = 216 होता है डेफिनेटली, ओके। और 2 का जब क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, क्यूब ऑफ 2, ये आ जाएगा 2 का क्यूब मीन्स 8, ओके। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यदि हम किसी नंबर को ट्रेबल कर दें, यहाँ पे ट्रेबल हो गया 6 का क्यूब निकाल लें तो जो आएगा वैल्यू, ये जो नंबर होगी वह 27 टाइम्स होगी 8 की, और 8 क्या है, जो ओरिजिनल नंबर लिए थे उसका क्यूब है, मतलब 8 में यदि हम 27 से मल्टीप्लाई करें तो 216 आना चाहिए, यही बोलने का, यही मतलब प्रूफ करना है हमें, प्रूफ दैट, ठीक है। जैसे हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 × 27 करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, तो 8 × 7 = 56 का 6 5 कैरी ओवर एंड 8 × 16 = 16 and 5 = 21, डेफिनेटली जो है सेम नंबर आ रही है यहाँ पर, बस हमें यही प्रूव करना है कि ये सच बात है, मतलब किसी भी नंबर के लिए ये टू है। चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, इसको हम प्रूव करेंगे एक वेरिएबल को सपोज करके, ठीक है। तो पहले पहले क्या करेंगे, हम इसे मान लेंगे कि एक नंबर लेट, नंबर बी ए, लेट ए बी अ नंबर, ठीक है, हमने ए मान लिया एक नंबर है। नाउ सो क्यूब ऑफ ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए क्यूब, क्यूब ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्यूब। नाउ ट्रेबल ऑफ ए इज इक्वल टू 3a, सो क्यूब ऑफ 3a इज 3a होल टू द पावर 3। अब यहां पर हम क्या करेंगे, पहले क्यूब करके यहां पर लिख लेंगे, तो कितना आएगा यहां पर, देखिए 3a का क्यूब करने का मतलब क्या, 3 में a से मल्टीप्लाई किया गया यहां पर, ठीक है, ट्रेबल यहाँ पे किया गया मतलब कि 3 × a किया गया है, तो 3a का क्यूब करेंगे मतलब कि 3 का अलग क्यूब कर देंगे और मल्टीप्लाइड बाई a का अलग क्यूब करेंगे, तो 3 का अलग क्यूब करेंगे तो मिलेगा 27 मल्टीप्लाइड बाई a क्यूब। तो देखिए यहाँ पर क्या मिल गया, 27 टाइम्स a क्यूब मिल गया। तो यहाँ पर जो इक्वेशन मिल रहा है, इट इम्प्लाइज, हम लिख सकते हैं कि देखिए ट्रेबल, यदि ट्रेबल कर दिया गया एक नंबर को, मतलब यहाँ देखिए ट्रेबल कर दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ लिख सकते हैं कि क्यूब ऑफ ट्रेबल, थ्री क्या है, ट्रेबल है, ट्रेबल ऑफ नंबर है, ट्रेबल ऑफ क्यूब ऑफ ट्रेबल ऑफ ए, ठीक है, हमने लिखा है 3a को ट्रेबल ऑफ ए, क्यूब ऑफ ट्रेबल ऑफ ए इज इक्वल टू 27 टाइम्स क्यूब ऑफ ए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया एक्चुअली, मतलब क्लियरली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्यूब ऑफ 3 जब निकाल रहे हैं तो 27 टाइम्स क्यूब ऑफ a आ रहा है, तो इसी बात को हम जनरलाइज कर सकते हैं, सो वी कैन राइट क्यूब ऑफ ट्रिबल ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 27 टाइम्स द क्यूब ऑफ गिवन नंबर, राइट। तो मतलब कि हमें यही प्रूव करना था कि इतना बराबर इतना होता है, ठीक है, प्रूफ, सो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड।